दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली फतह करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के निशाने पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अमित शाह केजरीवाल पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं और उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव के वो सारे झूठे वायदे याद दिला रहे हैं जिसकी बदौलत केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर विकास के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। केजरीवाल पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि वाईफाई ढूंढते ढूंढते लोगों की बैटरी खत्म हो जाती है लेकिन वाईफाई मिलता ही नहीं है। केजरीवाल के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के वादे को भी अमित शाह ने याद दिलाया। इसके अलावा अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर अंतिम दिनों में घोषणाएं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 5 साल की जगह 5 महीने की सरकार चली है। 5 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, बस 5 महीने में विज्ञापन देकर दिल्ली की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। अमित शाह ने केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमले भी किए। शाह ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते तो कहा कि गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूंगा, लेकिन सब कुछ लिया। आपको बता दें कि 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जमकर दिल्ली की जनता से वादा किया था, लेकिन 5 साल बाद भी केजरीवाल ने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसी को लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।